अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसी हिजाज सफर। आई होप कि आप लोग ठीक हो। घर में भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी। तो सुबह का टाइम है और आज मैं मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि कितने दिन से, 2 हफ्तों से हमारे घर में पानी नहीं था। और इधर जो है अभी सो रही है, सुबह का टाइम है। सफर को भी मैंने नाश्ता वाश्ता करवा के भेज दिया है और मैंने 8:30 बजे से कपड़े भिगोए हुए थे। तो मैंने बोला क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर के सोते सोते मुझे कौन से काम खत्म करने। और 10 बज के सुबह के 10 बजे हुए हैं और सफर भी शॉप पे जा चुके हैं। नाश्ता वाश्ता मैंने सब करवा दिया है और ये है कि अब मैं आपको दिखाती हूँ इधर सो रही है तो मुझे क्या क्या काम खत्म करने हैं। तो इधर की रूटीन हुई हुई है, टाइमिंग उसकी चेंज हुई हुई है रात की। तो रात को वो लेट सोती है और सुबह जो है ना थोड़ा लेट उठती है, तो उसके सोते सोते मुझे कर लेना है सुबह के काम खत्म। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा किचन है जो मैंने ज़फ़र को नाश्ता वाश्ता करवा दिया है। ज़फ़र शॉप पे चले गए हैं और ये मेरा किचन पड़ा हुआ है और ये मैंने कपड़े भिगोए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत सारे कपड़े नीचे भी पड़े हुए हैं, सारे मैंने हाथ से किए और बीच में भी कुछ भिगोए हुए हैं। मशीन मेरी अभी भी पानी दिखाती हूँ भरी हुई है। ये देखें बहुत ज़्यादा कपड़े हैं इसमें जो मैं हाथ से धो रही हूँ और मशीन इस वजह से नहीं लगा रही। इधर यहाँ पे सो रही है और कमरा देखिए मेरा ऐसा ही बिखरा हुआ है और अभी ये मुझे नहीं समेटना। सबसे पहले कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि अगर इधर लुढ़गी तो कमरा में उसके सामने ही समेट लूँगी। और ये है कि थोड़े थोड़े कपड़े अब मैं हाथ से वॉश करूँगी क्योंकि मशीन नहीं लगा सकती। अगर मशीन लगाती तो इधर लुट जाती तो मुझे फिर मेरा काम जो है बीच में रुक जाता है। तो मैंने हाथ से वॉश करने हैं और मैं ग्लव्स दिखाती हूँ, मुझे ग्लव्स पहन के कपड़े वॉश करने। अगर इधर उठ गई तो मुझे उसको पकड़ना भी है क्योंकि अभी वेदर ऐसा है कि पानी बहुत ठंडा हो रहा है। तो ये देखें ये है ग्लव्स जो मैं पहनूंगी और अब मुझे ना जल्दी से कपड़े वॉश करने हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं काम स्टार्ट क्योंकि इधर तो कुछ पता नहीं कि लोग कब उठ जाए कब नहीं। तो दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि हवा ना आए, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है, सर्दियाँ स्टार्ट हुई हुई थी इस वजह से। तो चलते हैं काम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर मैं कपड़े निकालना स्टार्ट हो गई क्योंकि मैं वॉशरूम में नहीं पहन रही, क्योंकि मुझे साथ साथ जो है ना इधर को भी देखना है। और ये देखिए कपड़े पड़े हुए हैं और इधर जो है बार बार उठ रहे, ग्लव्स में नहीं पहन रही। अभी भी इधर उठ हुई थी तो उतारने में मुझे इतनी मुश्किल हुई थी। ये देखिए इसके साथ हाथ साफ करके जल्दी से मैं गई थी तो इधर जो है ना हिलजुल कर रही है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। जी तो इसलिए यहाँ पे उठ चुकी है और अभी भी देखे मेरा काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरा बच्चा जो है ना छोटा सा मेरा काका उठ चुका है और कपड़े जो है ना मैंने धो लिए। ये देखे कपड़े वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए और ये है कि इज़ल भी उठ गई है और ये कि किचन वगैरह सारा मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। कपड़े मैंने वॉश कर लिए और इज़ल जो है उठ चुकी थी और अभी भी देखे किचन मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इज़ल उठ गई है। अच्छा अच्छा तो इज़ल को मैंने लिटाया हुआ, कमरा मैंने जो है ना सारा समेट लिया है और ये क्या है इसको मैंने चेंज वेंज भी करवा दिया था। तो यहाँ पे देखे मेरे बर्तन वगैरह अभी भी पड़े हुए हैं। 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, ऊपर मैंने पानी रखा हुआ है नीम पानी ताकि मैं बर्तन धो लूँ। और दाल मैंने जो है ना भिगोई हुई है और बस किचन समेटूंगी और सेम वगैरह भी वॉश करना है मुझे सारा। बस इज़ल को मैंने सुना दिया तो काम स्टार्ट करती हूँ। इज़ल देखे उठ चुकी है और दाल मैंने बना ली है और अभी तक काम नहीं किया। इज़ल मेरे पास है, मेरा दाल बना ली है क्योंकि दाल ऊपर रख के मैंने किचन विचन के बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। तो दाल जो मेरी बन चुकी है, इज़ल मेरी गोद में। अच्छा जी तो इधर यहाँ पे खेले रहो, मैंने पूरा घर समेट लिया है और ये है कि सेन वगैरह भी वॉश कर लिया है सारा। ये देखें सेन वगैरह सारा वॉश कर लिया है मैंने और ये है कि किचन वगैरह भी अभी मैंने सारा किया है वॉश। इधर जो है मुझे बहुत ज़्यादा कर रही है तंग और सेन अभी भी गीला है और पोछा मैंने अभी भी नहीं लगाया। और ये देखें सेन अभी मैंने वॉश किया और इधर जो है ना रो रही है। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग वस्टिंग भी सब कर ली है तो बस
अभी जाके मैं हुई हूँ फारिग। रोइजल मेरा बेटा अभी भी मम्मा को बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है। तो लाइट हमारी चली गई, पर्दे वगैरह मैंने आगे किए क्योंकि हो गया मगरिब का टाइम और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो पर्दे वगैरह मैंने आगे कर दिए, लाइट हमारी गई हुई है, एजल यहाँ पे खेल रही है। अच्छा जी, तो काम वगैरह जैसे मैंने सारा कर चुके हैं, अभी भी आप देख रहे हैं एसर मेरे पास है और बस एसर जाग रही हो तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और झाड़ू तो समझो मैंने इसको उठा के लगाया है, अभी भी मेरे बाजू में इतनी दर्द हो रही है, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लेटती। इसको ये होता है कि मुझे उठा लिया जाए क्योंकि कमरे में ये अकेली होती है, तो इसको उठा के सारा कुछ मुझे करना होता है। और ये है कि अभी अभी मैंने काम सारा ख़त्म किया और सुबह की लगी हुई थी और मगरिब का टाइम हो रहा है। और ये है कि अभी मैं फारिग हुई हूँ, एक मिनट कैमरा सेट कर लूँ, मेरा वहाँ से उतर के, और एक मिनट, तो मगरिब का टाइम हो रहा है तो अभी मैं फारिग हुई हूँ। एजर को मैंने उठाया है, पर्दा वगैरह सारा मैंने आगे कर दिया है क्योंकि हवा में जो है ना बहुत चल रही है, शाम का टाइम हो गया है। तो बस अभी फारिग हुई थी तो मैंने ब्लॉग खत्म कर दी क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही पूरा लंबा बन जाता है, वीडियो बिल्कुल लंबी मेरी हो जाती है। तो बस अभी अभी इधर को लेके मैं बिल्कुल अभी फ्री हुई हूँ। और वही बात है, मेरे घर पे घड़ी नहीं, वरना मैं घड़ी पे आपको टाइम दिखा देती। और ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी अपने घर पे घड़ी लाऊंगी क्योंकि जफर के हमारे तो हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने 3 घड़िए जो है घर की चेंज की है। वैसे टेबल पर छोटी सी रखी होती जो तो दायरे बच्चे आते थे, जो भी आता था वो दायरे खेलते थे, तो वो दूर जाते थे। सफर उस वक्त से अभी तक जो है ना घड़ी भी घर पे लाए, और ये कि इंशाल्लाह मैं जरूर लाऊंगी और आपको टाइम भी दिखाऊंगी कि मैं सुबह की उठी होती है और मेरा टाइम क्या हो जाता है। अभी भी इधर जाग रही है और शोल्डर मेरा दर्द है क्योंकि इसको ये मैं उठा के रखू उठा के रखू। तो बस यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।